नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो इतने दिनों से मेरी रेसिपी वगैरह नहीं आ रही थी दोस्तों, उसका रीज़न था कि मैं बिज़ी भी थी और दो चार दिनों से मेरे पाँव में भी बहुत तकलीफ़ है जिसके कारण मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ। तो आज मैंने कोशिश की है किचन में आने की। तो आज मैंने आलू और अंडा करी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और चलिए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, ये है अंडा जिसे हमने उबाल के छील लिया है, और ये है तीन आलू लिए हैं मैंने, इस तरह से इसे कट कर लिया है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है धनिया पत्ती, और दो तीन हरी मिर्च जिसे हमने इस तरह से काट लिया है, और दो बड़े प्याज जिसे हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, और दो बड़े टमाटर ये हमने भी छोटा छोटा कट कर लिया है, और ये है नमक। तो ये है सारे मसाले दोस्तों। तो इस चम्मच से मैंने मेजरमेंट रखा है, आप देख सकते हैं, और ये है एक चम्मच हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर आधा चम्मच, और ये मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच, और ये गरम मसाला है एक बड़े चम्मच, और ये है जीरा पाउडर ये भी एक चम्मच है, और गोलकी पाउडर है आधा चम्मच से थोड़ा कम, और दो इलायची, और ये दालचीनी, और ये दो काली मिर्च, ये होगा, और ये दो हैं तेजपत्ता, ठीक है। तो अब हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा चुके हैं दोस्तों, और कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है दोस्तों, अब हम तेल डालेंगे, और सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें अंडा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम आलू को डाल देंगे, गैस को कम करके ही डालें दोस्तों, क्योंकि तेल छिटक के आपको लग भी सकता है। और गैस को अब मैं तेज कर दे रही हूँ, और इसे ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। तेज आंच में ही ब्राउन करें दोस्तों। तो आलू हमारा ब्राउन हो चुका है दोस्तों, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया, अब हम इसे रख देंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें अंडे डालेंगे, आप धीरे धीरे ही डालें दोस्तों, क्योंकि तेल जो है छिटक सकता है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसे फटाफट से मैं डाल दूंगी। ऐसे मुझे बहुत डर लगता है ये अंडा फ्राई करते वक्त, क्योंकि ये इतना छिटकता है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब क्या करेंगे कि इसमें ढक्कन को ढाँक देंगे, नहीं तो ये फट 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 फट, फट, फट तेल चिटक के मेरे फेस पे लग जाएगा। तो अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ, और इसे हम ब्राउन होने तक भी फ्राई करेंगे दोस्तों। मैंने ये जो ढका है बस इसी तरह से ढका है दोस्तों, बस इसे बीच में ऐसे ये पलटने के लिए एक मिनट मैंने इसमें छोड़ा, और इसे पलट लिया ताकि ये चिटके नहीं। ज़्यादा देर ये ढक के नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों गैस हमारा तेज है। तो अब हम दूसरी तरफ भी उसे ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम अंडे को निकालेंगे। तो आधा मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब मैंने इसे निकाल दिया है, अब ये उतना चिटकेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, इसे और हम थोड़ी देर होने देंगे, तेज आंच में ही रखना है दोस्तों। और याद रखें कि मैंने सिर्फ ढका है इसीलिए, क्योंकि तेल चिपके नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है ढक के, क्योंकि गैस हमारा तेज है। अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो हमारा अंडा जल सकता है। तो आप ध्यान रखें इस बात का दोस्तों। और दूसरी बात ये कि
चलो आधा मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़े, उसके बाद आप अंडे को पलट ले। तो अंडा मेरा हो ही चुका है, तो गैस को हम धीमी आंच में करके अब हम ये भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा निकल चुका है, इसे भी हम रख देंगे दोस्तों। और कढ़ाई में हम तेल थोड़ा और डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें मसाला भी इसमें भूनना है। तो मैंने डाल लिया है और अब हम गैस को तेज कर देंगे और इसे तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, क्योंकि अभी अभी इसमें हमने तेल डाला है तो थोड़ी देर इसे गर्म होने में लगेगा। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम तेज पत्ता डाल देंगे दोस्तों, और हम प्याज डालेंगे। और ये जो गरम मसाला है खड़ा, ये हम अभी डालेंगे, क्योंकि हम अगर तेज़पत्ता के बाद डालेंगे दोस्तों तो ये बहुत जोर से मतलब इलायची का जो ये रहता है वो फट जाता है, और बहुत जोर से फूटता है, वो भी चटकता है, तो आपको लग सकता है। तो आप इस तरह से डालें गरम मसाले को जब भी डालें, क्योंकि जो हमारी बड़ी इलायची छोटी इलायची रहती है वो चटकता बहुत ज़्यादा है गरम तेल में, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो अब हम प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज हमारा लगभग ब्राउन हो ही चुका है दोस्तों, तो थोड़ी देर और हम इसे भूनेंगे, थोड़ा और ब्राउन करेंगे। तो बस ये हमारा हो चुका है। अब हम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आपको नहीं बताया था, ये हम एक बड़े चम्मच लेंगे, और थोड़ा सा और लेंगे दोस्तों, और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब गैस को धीमी आंच में कर देंगे दोस्तों, और ये जो हमारे सारे मसाले हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और पानी थोड़ा और ऐड करेंगे क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं। और हम इसे अब एक मिनट तक भूनेंगे। याद रखें दोस्तों, एक मिनट ही भूनें, उसके बाद हम टमाटर। तो बस ये हमारा हो चुका है। अब हम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आपको नहीं बताया था, ये हम एक बड़े चम्मच लेंगे, और थोड़ा सा और लेंगे दोस्तों, और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। गैस को धीमी आंच में कर देंगे दोस्तों, और ये जो हमारे सारे मसाले हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और पानी थोड़ा और ऐड करेंगे क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं। और हम इसे अब एक मिनट तक भूनेंगे। याद रखें दोस्तों, एक मिनट ही भूनें, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे दोस्तों। तो लगभग हमारा एक मिनट हो चुका है, अब हम ये टमाटर को डाल देंगे, और ये हरी मिर्च जो हमने काट के रखा था, अब इन सबको साथ में भूनेंगे। साथ में हम नमक भी ऐड कर देंगे दोस्तों, अभी ही मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डालिएगा दोस्तों। आप कितना ग्रेवी चाहते हैं, कितना आपको चाहिए होगा, वो हिसाब से आप डालिए, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और फिर से हम आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे तेज आंच में भूनेंगे, जब तक कि हमारे मसाले पूरी तरह से भुन ना जाए दोस्तों, और टमाटर गल ना जाए।
तो दोस्तों अभी मसाला पूरा भुना नहीं है, तो मेरी बेटी को तो थोड़ा सब्जी लाल या रेड दिखे इस टाइम में, तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं दोस्तों, मैं आधा चम्मच ही डालूँगी इसमें। इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे और मसाला तेल में से अलग, मतलब कि मसालों में से तेल अलग हो जाए, तब तक इसे भूनेंगे दोस्तों। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, हम पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि पानी हम अगर गर्म ही डालें ग्रेवी में, ग्रेवी बनाते हैं जब हम मसालों में, तो अच्छा रहता है दोस्तों। तो मसाले हमारे भून चुके हैं दोस्तों लगभग, थोड़ी देर और हम भूनेंगे। पानी भी हमारा थोड़ा और गर्म होगा दोस्तों, तो थोड़ा और गर्म होने देंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों हल्का, और मसाला भी भून चुका है, तो अब हम पानी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे तेज आंच में एक बॉयल आने देंगे दोस्तों। तो बॉयल आ चुका है दोस्तों, अब हम इसमें आलू डालेंगे अभी, क्योंकि आलू हमारा पूरी तरह से गला नहीं है, और थोड़ी देर हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे, थोड़ा आप कम ही कर दें। और अभी हम अंडा इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि अंडा हमारा पूरी तरह से पका हुआ है। तो अब हम पाँच मिनट तक इसे पकने देंगे मीडियम आंच पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और अब मैं देख लेती हूँ कि आलू हमारा गला है या नहीं। तो लगभग गल ही चुका है, तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे, और तब तक हम गैस को धीमी आंच कर लेते हैं और अंडे को डाल देंगे। और इसे भी मिला लेंगे दोस्तों। और अब इसे भी हम 5 मिनट तक इसमें मीडियम आंच में पकने देंगे, और फिर हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, और सब्जी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी बन गई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी दोस्तों। उसके लिए भी मैंने गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया है, तो गर्म पानी मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ठंडा पानी ना मिला है दोस्तों। अगर आपको पानी चाहिए होगा तो, मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने डाल दिया। अब हमें एक उबाल आने देंगे इसमें, गैस को तेज कर लेंगे। तो एक बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे दोस्तों। और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आलू और अंडे की रेसिपी तैयार है दोस्तों, आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप चाहे तो इंस्टा पे भी हमारी वीडियोस हैं, वहाँ पे भी आप जाके वॉच कर सकते हैं वीडियोस,
और फॉलो कर सकते हैं मुझे दोस्तों, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अभी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है अच्छा बनाने की। आज की रेसिपी भी जो बनाई हूँ इतने दिनों के बाद, तो उसमें भी अच्छा करने की कोशिश की हूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब दोस्तों, और आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा कैसा लगा, और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।